तो आपने क्या करना होगा, डिफरेंशिएट वैसे ही करना होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई. ये क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर वन ओवर टू. इसमें भी पावर रूल यूज करेंगे, ये वन अपॉन टू नीचे आएगा, वन अपॉन टू में से एक माइनस वन कर दो कम, वन अपॉन टू इस टू से ले लो एलसीएम माइनस का. ये देखें, ये इधर मैं साइड पे आपको एलसीएम लेके बताता हूं, ये इस तरह होगा. आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई करवाएं, वन माइनस टू अपॉन टू, तो आंसर क्या आएगा मेरा, माइनस का वन ओवर टू आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का वन ओवर टू. ये माइनस का वन ओवर टू इधर क्या हो रहा है, रेजर से इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ये थोड़ा सा. हाँ अब सही. ये देखें, ये होता कुछ इस तरह है, जब वैल्यू अपॉन में आ जाती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह एक्स मेरा पॉलिनोमियल है, इसके ऊपर अपॉन में वैल्यू आ जाती है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपॉन की वैल्यू वन अपॉन टू वही पावर रूल यूज करके अपॉन नीचे लेके आएंगे, उसमें से एक माइनस वन करेंगे, क्योंकि माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का वन अपॉन टू हो जाएगा, और माइनस वन आप एलसीएम ले सकते हैं. ये रहा माइनस वन ओवर टू और ये रहा टू. आप एलसीएम किस तरह लेंगे, टू के नीचे, वन के नीचे तो ऑलरेडी टू मौजूद है, इसका तो लेने से रहे. आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो वन होगा, जो मैं एरो बना रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा टू वन जर टू, और इससे माइनस करवा दो, तो ये बन जाएगा वन माइनस टू मीन्स माइनस वन अपॉन टू. तो अब ये अपॉन में जाएगा, तो दोबारा क्या बन जाएगा, क्योंकि वन ओवर टू क्या होता है, एक्स की पावर वन ओवर टू, इधर मैं बता भी देता हूं, ये होती है रूट एक्स होता है. रूट लिखो या वन ओवर टू लिखो, वो माइनस का वन अपॉन टू था, नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का वन ओवर टू बन जाएगा. हैंड रेस किसका हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ बेसिक डेरिवेटिव रूल. बेसिक डेरिवेटिव के रूल क्या है, अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट होता है, यानी कि एनी नंबर इन्वॉल्व, तो आपका जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाएगा. कैसे जीरो होगा, आपको इसकी मैं एग्जांपल भी दे देता हूं कि इसका कैसे आप कर सकते हैं. देखें, अगर मेरे पास लिखा हो वाई इक्वल्स टू फाइव, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप वैसे ही लिखते हैं, जो राइट हैंड साइड में होगी वैल्यू फाइव, वो क्या बन जाएगी, जीरो. चाहे वो फाइव हो, चाहे वो वन हंड्रेड हो, वन थाउजेंड हो, जितनी मर्जी वैल्यू हो, अगर उसके साथ x नहीं लिखा हुआ, ओनली नंबर है, कांस्टेंट है, c मीन कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन नंबर, कोई भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है, वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, उसका आंसर जीरो आता है, ये लिखा हुआ है. उसके बाद लिखा हुआ है कांस्टेंट मल्टीपल रूल्स. अगर आपके पास कोई इस तरह का फंक्शन आ जाता है कि उसके साथ फाइव एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर आपको इसको डेरिवेटिव करना है, तो कांस्टेंट पहले लिख दो, उसके बाद उसके दूसरी वैल्यू का आप क्या कर सकते हैं, एक्स फाइव एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर सकते हो. उसके बाद पावर रूल भी कर लिया, सम रूल तो वैसे कर लिया. उसके बाद है माइनस रूल का है कि आप उसको अगर माइनस करें तो दोबारा वो, ये अगेन पावर रूल भी इसके अंदर यूज हो सकते हैं माइनस. अच्छा, जो दो आपके मेन फार्मूले हैं वो मैं बता दूं, एक है प्रोडक्ट रूल, एक है क्वेश्चन रूल, और तीसरा है ये चेन रूल. ये तीनों जो आपके, मैं आपको जो आपकी जिसपे मैंने मार्किंग की है, एक और तीसरा भी है, ये नंबर थ्री, ये आपका ये, और उधर से पावर रूल.
ये फोर जो रूल है वो बहुत ज्यादा यूज होंगे डेरिवेटिव के अंदर। दोबारा ये सुनिएगा, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल। पावर रूल हम कर चुके हैं, प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने नहीं किया। प्रोडक्ट रूल को अब हम यूज करेंगे। मैं आपको इसका पहले से फॉर्मूला बता दूं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, इसको किस तरह करेंगे, ये कहाँ यूज हो सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट रूल यूज कहाँ पे होगा? प्रोडक्ट रूल वहां पे यूज होता है जब दो अलग अलग वैल्यूज आपस में मल्टीपल फॉर्म में आ जाएं, तो आप वहां पे ये रूल यूज करते हैं। आपको सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लिखवाना चाहूंगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। लिखा है प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला पहले तो लिखवाना चाहूंगा, ये क्या होता है। प्रोडक्ट रूल होता है डी अपॉन डी एक्स, दो डिफरेंट वैल्यूज हैं यू डॉट बी, मेरे पास अलग अलग है दोनों वैल्यू, यू एक अलग वैल्यू है, बी कोई एक अलग वैल्यू है, दोनों आपस में प्रोडक्ट में मल्टीपल हो रही है, तो मैं जब इनका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं पहले लिखूंगा यू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी डेरिवेटिव ऑफ यू। ये सिंपल बता दिया। प्रोडक्ट रूल क्या होता है स्टूडेंट? जब भी दो अलग अलग फंक्शन या दो अलग अलग वैल्यूज आपस में मल्टीपल फॉर्म में आ जाए, तो वहां हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल ये होता है कि डी अपॉन डी एक्स दो डिफरेंट वैल्यूज का मल्टीपल, तो ये होता है यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, कुछ इस तरह आ जाता है। अगर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन बताता हूं कि हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं इसी का ही। मेरे पास है x का स्क्वायर x प्लस वन, इस तरह का होगा कि u एक अलग वैल्यू है, v एक अलग वैल्यू हो जाएगी। जो पहली वैल्यू है उसको u ले लेना और जो सेकंड वैल्यू है उसको v ले लेना। ये ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई करवा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट u डॉट v भी अप्लाई करके कर सकते हैं। मैं u डॉट v आपको अप्लाई करके बताता हूँ ताकि आपको आसान लगे। ये आपको मैंने वही आपने सिंपल करना है, आपने इसको ले लेना है यू और इसको ले लेना है वी। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो वी इक्वल टू एक्स प्लस वन है। ये ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, इसमें मैं लिखूंगा अप्लाइंग फॉर्मूला या अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मेरा क्या कहता है? जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां पे आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब दो वैल्यू कौन कौन सी है वो तो आपको मैंने लिखवा दी, आपने बस उसको लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? मैंने किसको लिया था? यू एक्स स्क्वायर को लिया था, तो पहले मैं लिख लूंगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर। देखे स्टूडेंट, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यू डॉट वी की जगह जो ऊपर फॉर्मूला मेरा गिवन था
उस फॉर्मूले में मेरा जहां यू आता है वहां मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, जहां वी आता है मैंने एक्स प्लस वन लिखा है, डी अपॉन डी एक्स वैसे ही लिखे हैं। देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, मैंने यू की जगह एक्स स्क्वायर लिखा और वी की जगह एक्स प्लस वन लिखा है। डेरिवेटिव किसका होता है? डेरिवेटिव ये देखिए इस वैल्यू का होगा और इसके साथ जो आगे वैल्यू होती है उसका होगा, ना कि ये जो पीछे वैल्यू है डेरिवेटिव के इस वैल्यू का कभी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। डेरिवेटिव के साथ जो आगे वैल्यू उसका डेरिवेटिव होता है। जल्दी से बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर तो वैसे ही लिखा हुआ है, डेरिवेटिव को जब मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू, एक्स का जो डेरिवेटिव है वो वन होता है और वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा वन। एक्स प्लस वन तो दोबारा मैं वैसे ही लिखूंगा, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डेरिवेटिव मैंने किसका लेना है? टू एक्स स्क्वायर का। तो टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरा कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर का सॉरी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, टू एक्स। अब आपने इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ये मैंने क्या किया है, जो मेरे पास दो वैल्यू थी उनके ऊपर यू डॉट वी का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। मैं दोबारा से स्टूडेंट बताता हूँ आपको, पहले यू लिखा फिर डेरिवेटिव ऑफ वी लिखा, वी मेरा था एक्स प्लस वन, यू था एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा, डेरिवेटिव आगे जो वैल्यू थी इस डी अपॉन डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर लेके गया। एक्स का डेरिवेटिव होता है वन और वन का डेरिवेटिव होता है जीरो, क्यों मैंने आपको बताया भी था, कॉन्स्टेंट चाहे वो जितना ही क्यों ना बड़ा हो हमेशा उसका डेरिवेटिव क्या रहता है, जीरो रहता है। अब एक्स प्लस वन वैसे ही लिखा, डी अपॉन डी एक्स हम लोगों ने लिख लिखी है डी अपॉन डी एक्स, और साथ में लिखा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का